नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो जैसा मैं हर वीकेंड पर आप लोगों के लिए एक स्टॉक लेकर आता हूं, उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताता हूं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट वगैरह ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपको सिखाता हूं। तो इस बार मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है उसका नाम है पिडिलाइट इंडिया। तो ये स्टॉक जो है एक मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैं इसमें अक्सर ट्रेडिंग करता रहता हूँ और इसमें अक्सर मतलब मेरे को अच्छे प्रॉफिट भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। अगर जिस तरह से मैं अपने चार्ट पर जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं, जिस तरह से पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूं, अगर सेम आप भी वो चीजें फॉलो करना चालू कर दें, जैसे मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं, साथ साथ आपने अपना चार्ट खोल लिया, चार्ट खोलने के बाद जिस तरह से मैं उस चीज की एनालिसिस कर रहा हूं पिडिलाइट इंडिया की, उस तरह से सेम आपने करना चालू कर दिया, या फिर वीडियो को बाद में देखने के बाद भी आप ये कंटिन्यू अगर करने लग गए आप, तो आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको जो है पैटर्न ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, पैटर्न हमको तो देखिए ऐसा एक सिस्टम बना लेना, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि चार्ट खोलते ही अपनी आंखें जो है उसमें चार्ट के पैटर्न ढूंढ लें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे हम चार्ट के सामने बैठे हैं, हम बिना किसी पैटर्न को ड्रॉ किए हुए हमको पता चल जाए कि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, या असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, या डबल टॉप बन रहा है, या मतलब किसी भी तरह का पैटर्न, इतना मतलब प्रैक्टिस करके हमको अपने आप को इतना परफेक्ट करना है। तो चलिए आइए, जो हम आज हमने स्टॉक जो सिलेक्ट किया है पिडिलाइट इंडिया, इसकी कुछ प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, स्टॉक का नाम जो है वो नाम है पिडिलाइट इंडिया, और इसका जो है देखिए मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैप जो है 837.71 बिलियन डॉलर का है, मतलब 837.71 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। और ये जो इंडस्ट्री है ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो सेक्टर जो है पिडिलाइट जिस सेक्टर से आता है वो एक बेसिक मटेरियल्स के सेक्टर से आता है, और इस कंपनी में नियर अबाउट इस समय 5,742 एम्प्लॉय जो है इसमें काम कर रहे हैं। और इसमें जो भी देखिए यहाँ पर पिडिलाइट इंडिया के थ्रू जो भी केमिकल वगैरह जो तैयार होते हैं, वो केमिकल देखिए प्रिंटिंग में काम आते हैं, टेक्सटाइल में काम आते हैं, पेंट कंपनीज में काम आते हैं, इंक वगैरह में काम आते हैं, कुछ लेदर वगैरह में इस केमिकल का यूज होता है। और ये पिडिलाइट इंडिया जो है एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। और चलिए मैं इसमें जो है मतलब कुछ औहदे पर जो लोग बैठे हुए उनके बारे में कुछ आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, इसमें जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उनका नाम है प्रदीप मेनन, और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो है सब यासी पटनायक, और जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है भरत पुरी, और जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड है इस कंपनी को, जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड जो इसको हैंडल करते हैं वो है मधुकर जी, ठीक है। बाकी मैं आपके इसमें कुछ कंपनी के रिजल्ट वगैरह भी आपको एक ब्रीफ में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं इसका जो कंपनी का देखिए मैं अभी पूरा तो आपको फंडामेंटल के बारे में अभी इसमें नहीं बताऊंगा, मैं तो इसमें आपको जो टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा, बट मैं इसको आपको फंडामेंटल बता देता हूं, उससे जो है मतलब पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हमको स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, इसका जो है 2015 में जो इसकी नेट इनकम थी वो 512.56 करोड़ रुपए थी, 2016 में 802 करोड़ रुपए थी, 2017 में 859 करोड़ रुपए थी, 2018 में 962 करोड़ रुपए थी, और 2019 में 924 करोड़ रुपए थी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब इसकी इनकम जो है हर पर ईयर इंक्रीज होती गई है, सिर्फ एक 2018-19 में नियर अबाउट सेम और थोड़ा सा कम है, बाकी जो है ये कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छी है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, तो ये स्टॉक मतलब हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो चलिए आइए, अब हम इसकी जो है टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, हम किसी भी टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने के लिए हम जो है एक साल का चार्ट ले लेते हैं, उसके बाद में उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाता हूं। तो चलिए हम यहां से ले लेते हैं 2018 से ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं अब बाकी यहां पर अपने कुछ पैटर्न वगैरह यहां पे कलर वगैरह सेट कर लेता हूं, जिससे आपको जो है देखने में आसानी रहेगी और चीजें आपको जो है अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, कोई भी चीज मैं आपको बताता हूं, उन चीजों को जो है अपने दिमाग में उतारिए, अच्छे से समझिए, ये जो है आपके आने वाले फ्यूचर में काफी काम आएंगी। तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ये यहां पर देखिए, हमको
क्या मिला है हमको, यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न इस तरह से मिला है। देखिए अभी हमने यहां पर स्टार्ट किया है, अभी ये नहीं बताऊंगा कि कैसे मिला क्यों मिला। यहां पर देखिए जैसा हम देख सकते हैं कि हमको एक यहां पर डबल टॉप पैटर्न मिला है। तो देखिए जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कभी भी अगर हमको मार्केट में डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम टाइप के पैटर्न अगर कभी भी दिखाई देते हैं उस समय हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए। देखिए ये एक स्ट्रेटेजी है जो मेरी सेल्फ डेवलप्ड स्ट्रेटेजी है और मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर देता हूं। देखिए ये एक बहुत कॉस्टली स्ट्रेटेजी है बट मैं आप लोगों के लिए ये सब चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री बताता हूं, बस आप सीखने पर जो है कंसंट्रेट करिए। यहां देखिए जो डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, डबल टॉप पैटर्न पर हमने आरएसआई फोकस करना होता है और यहां पर जैसा आप देख सकते हैं आरएसआई ये जो है ये डाउनवर्ड में आपको दिखा रहा है, मतलब ये जो है आपको नीचे की तरफ, यहां पर लेवल सेम है, यहां पर जो आप देख सकते हैं यहां पे 1200 रुपए का लेवल यहां भी टेस्ट हुआ है और 1200 का लेवल यहां भी टेस्ट हुआ है, बट आरएसआई जो है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर 83 पर है आरएसआई और यहां पर जो 1200 का लेवल अगेन टेस्ट हुआ है यहां पर 82 की जगह यहां पर देखिए 67 पर है। मतलब यहां पर देखिए आप क्लियर कट, मतलब यहां पर स्टॉक ने बता दिया है कि अब मैं जो है नीचे जाने के लिए रेडी हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर रेजिस्टेंस पर आने के बाद इसने देखिए कुछ टाइम जो है यहां पर अपना स्पेंड किया है, यहां पर जैसा आप देख सकते हैं देखिए रेजिस्टेंस पर आने के बाद कुछ टाइम यहां पर इसने सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद फाइनली इसने इसका ब्रेकआउट दिया और देखिए जहां से ब्रेकआउट दिया 1100 रुपए से 1200 पर इसका रेजिस्टेंस था, 1100 के लेवल पर ये सस्टेन हो रहा था, 1100 का लेवल सस्टेन किया, उसके बाद देखिए ये कहां तक आया, ये नियर अबाउट 900 रुपीज तक आया। तो ये देखिए हम जो है पिछले भी कुछ सपोर्ट अपने ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है ना, उससे क्या होगा कि मतलब हमको अपने आगे के सपोर्ट हमको पता रहेंगे क्योंकि देखिए अभी हमने स्टार्ट ही किया है यहां पर ये, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा ये जो है ये पीछे के जो सपोर्ट थे वो यहां पर अब काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, हमने तो यहां से चालू कर रखा है। तो अभी देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है, यहां पर आने के बाद देखिए अभी यहां पर जब सपोर्ट पर ये पीडीलाइट का स्टॉक आया है तो यहां पर देखिए एक बार यहां पर आया, ठीक है, ये आया 900 रुपए के लेवल पर, 900 रुपए के लेवल से फिर ये यहां पर देखिए इसने हैमर कैंडल बनाई है और हैमर कैंडल बनाने के बाद फिर देखिए इसने जो है ऊपर निकलने की कोशिश की है और 1015 लगाने के बाद फिर जो है सेम लेवल पर आके इसने जो है सपोर्ट लिया है और वो लेवल है 900 रुपए का। देखिए जैसा मैंने अभी आपको जैसे मैंने पीछे बताया है, देखिए मेरी बात जो है ना आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनकर उन चीजों को इंप्लीमेंट करने लग गए मार्केट में तो आप जो है मार्केट से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर निकलेंगे। तो चलिए अभी जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी भी हमको डबल टॉप और डबल ट्रिपल टॉप का पैटर्न टाइप का ऐसा कुछ दिखता है मार्केट में तो वहां पर हमने जो है आरएसआई को जरूर फोकस करना है। यहां पर जैसा आप देख सकते हैं कि यहां पर 900 रुपए के लेवल को दो बार टेस्ट किया गया है, मतलब यहां पर डबल बॉटम पैटर्न बना है बट यहां पर जो आरएसआई आप देखिए नीचे आप देख सकते हैं आरएसआई यहां पर 900 का लेवल सेम है, दोनों बार जो है 900 रुपए के लेवल को टेस्ट किया गया है और यहां पर देख सकते हैं आरएसआई कितना ऊपर की तरफ मतलब आपको दिखा रहा है, मतलब एक तो आरएसआई आपको 22 पर है और सेकंड जो आरएसआई आपका है वो 47 पर, तो मतलब आप देख सकते हैं 25 पॉइंट का मतलब गैप है आरएसआई में। तो यहां पर अपना जो देखिए क्लियर कट यहां पर हो जाता है कि हमने यहां पर ऊपर जाना है क्योंकि हमारे पास देखिए यहां पर मल्टी कंफर्मेशन है। देखिए मैं कभी भी किस मार्केट में अगर ट्रेड लेता हूं तो मैं एक कंफर्मेशन या दो कंफर्मेशन पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेता हूं। देखिए मैं यही चीज अपने क्लाइंट्स वगैरह को भी सिखाता हूं, मैं अपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी यही सब चीजें बताता हूं, ठीक है ना, कि मैं कभी भी एक कंफर्मेशन पर ट्रेड नहीं लेता हूं। देखिए मेरी वीडियो लंबी जरूर होती है बट नॉलेजेबल होती है, अगर हम चीजों को ध्यान से सुनते हैं इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके फ्यूचर में ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। तो देखिए मैं आपको यहां पर कंफर्मेशन गिना देता हूं, यहां पर एक तो देखिए डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना, ठीक है, वन कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन आपको ये सपोर्ट यहां पर है, ठीक है, टू कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन ये देखिए ये जो आरएसआई बनाया है जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कंफर्मेशन है, तीन कंफर्मेशन और यहां पर जैसा आप देख सकते हैं चौथे कंफर्मेशन, यहां पर देखिए कितनी अच्छी की हैमर कैंडल बनाई है, इसको देखिए हम हैमर कैंडल भी कह सकते हैं और इसको जो है एक बुलिश हरामी कैंडल भी कह सकते हैं। तो देखिए हमारा जो है ट्रेड जहां पे एग्जीक्यूट होगा वो ट्रेड हमारा इस जगह पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद फाइनली यहां पर हमारा जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा नियर अबाउट 972 के लेवल पर। अभी देखिए क्या हुआ है, 972 के लेवल पर आने के बाद ये स्टॉक ने देखिए कितनी अच्छी एक रैली दिखाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 900 रुपीज से सीधा जो है ये गया है 1200 रुपीज तक।
तो देखिए हमारा जो है फर्स्ट टारगेट हमारा कहां पर होना चाहिए, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए जहां से जहां पर ये सस्टेन होने के बाद इसको ब्रेकआउट किया था। तो ये देखिए हम जो है इसको भी इस तरह से जो है आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर कोई ऐसा पिक्चर नहीं दिखा, कोई ऐसा शूटिंग स्टार कैंडल नहीं दिखी, या ऊपर से कुछ बियरिश डाइवर्जेंस टाइप का है, मतलब ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं दिखी कि हम यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लें। सो हम अपना प्रॉफिट चलने देंगे। अभी हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा जहां से हमने स्टॉक जो है पीछे भी दो बार रिवर्स हो चुका है। तो ये देखिए इसको हमने इस तरह से देखिए ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग, यहां पर हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूं जो चीजें बार बार मार्केट में काम करती हैं, ठीक है ना, बट आप उन चीजों को फोकस नहीं कर पाते हैं। देखिए अभी यहां पर क्या हो गया, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है ये देखिए, जैसा कि ये वन टाइम, सॉरी मैं इसको व्हाइट कलर कर लेता हूं तो आपको पता लगेगा अच्छे से, और ये जो है ये देखिए ये सेकंड टाइम, ठीक है, ये दो बार मार्केट जो है सेम लेवल पर आया है, ठीक है ना। बट आप जो यहां पर देख सकते हैं आरएसआई, यहां देखिए आरएसआई ने आपको जो है पीरियड डाइवर्जेंस दिखाया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कभी भी स्टॉक अगर हमको डबल टॉप, ठीक है, और डबल बॉटम इस तरह के किसी पैटर्न में दिखे तो आपको आरएसआई जरूर देखना है। देखिए ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूजफुल स्ट्रेटजी है, अगर इसको आप जो है अच्छे से यूज करना सीख गए। देखिए मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी वगैरह आपको जो है फ्री में नहीं देगा, ठीक है ना, बट मैं आप लोगों को यहां पर सिखाने आया हूं, तो आप सीखिए, ठीक है ना, चीजों को समझिए, चीजें मार्केट में कैसे काम करती हैं। देखिए सिंपल चीजों को फॉलो करिए, आप अपने चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। अगर आपने अपने चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड बना लिया तो फिर जो है आप उसमें उलझ कर रह जाएंगे। सो चीजें सिंपल रखिए और सिंपल चीजों को फॉलो करिए। मैं सेम चीजें अपने क्लाइंट्स वगैरह को बताता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग में, मेरे कोर्स में भी यही है कि सिंपल चीजें फोकस करके मैं जो है अच्छे पैसे बनाता हूँ मार्केट से। चलिए मैंने आपको यहां पर तीन बार ये चीजें दिखा दी है। देखिए एक बार तो यहां पर दिखा दी, ठीक है ना, आरएसआई, दूसरा मैंने यहां दिखा दिया, तीसरा मैंने अभी यहां दिखा दिया। चलिए अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कभी भी अगर हमको दो हायर हाई या हायर लो मिलते हैं तो वहां पर हमने क्या करना है, वहां पर हमने पहले दो हायर लो पकड़ लेने हैं। ये देखिए हमने ये इस तरह से यहां पर हायर लो पकड़ लिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, अभी इसी सेम लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर नीचे आ रही है, और मार्केट नीचे कहां तक आ रही है, ये जो पीछे हमने ये ड्रॉ करके रखा हुआ था यहां तक आ रही है मार्केट। अभी ये देखिए हमने इसको इस तरह से एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अभी हमको एक मिल गई ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहां पर ट्रेंड लाइन मिली है, और ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट होने के बाद हमारी जो है यहां पर एंट्री एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है, यहां पर हमारी एंट्री की एग्जीक्यूट हो गई है। और ये जो इसने हाई लगाया है आप ये देख सकते हैं। अब ये देखिए जो चीजें मार्केट में पहले काम जैसी, मतलब हिस्ट्री पीछे थी वही हिस्ट्री अब रिपीट हो रही है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए यहां पर वन टाइम और टू टाइम, ठीक है, मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। ये देखिए वन टाइम, ठीक है, और यहां पर ये देखिए टू टाइम, ठीक है, यहां पर भी मार्केट ने जो है डबल टॉप पैटर्न बनाया था और यहां पर एक बियरिश डाइवर्जेंस आपको देखने के लिए मिला था, ठीक है, यहां पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला था, यहां डबल टॉप पैटर्न बनाया था, यहां पर आपको बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिला था, ठीक है ना। सो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपना हिस्ट्री जो है अगेन रिपीट किया है, ठीक है, सॉरी यार ये देखिए मैं इसको आई करता हूं, इसको बड़ा कर लेता हूं। देखिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, शायद मार्केट में आपको ये सब चीजें कोई ना बताए, और शायद जो है लेने वाले तो आपसे 50,000 लाख रुपए लेके दो दिन की ट्रेनिंग कराकर भी आपको ऐसी चीजें जो बताएंगे वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी और वो चीजें मार्केट में काम नहीं करेंगी, ठीक है ना। सो चीजें वो फॉलो करिए जो चीजें मार्केट में काम करती है, सिंपल चीजों के पीछे जाइए, सिंपल चीजें पैसे बना के देंगी आपको। देखिए अभी यहां पर क्या हो रहा है मार्केट में, यहां पे देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने, ये देखिए एक डबल टॉप पैटर्न यहां पर बनाया है, ठीक है। अभी शायद जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आप शायद समझ गए होंगे कि जो चीजें मैंने अभी आपको लास्ट तीन बार अभी करके दिखाई हैं मार्केट में, मतलब मैंने नहीं करके दिखाई है, जैसा मतलब मार्केट पिडिलाइट का जैसा बिहेव रहा है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि पिडिलाइट का बिहेव किस तरह से होता है। पिडिलाइट का देखिए ये एक बिहेव है, अगर आप चाहें तो आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं कि पिडिलाइट में अगर कहीं भी डबल टॉप या ट्रिपल टॉप
डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम, इस तरह का कहीं भी पैटर्न अगर आपको दिखाई देता है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ आरएसआई फोकस करना है। अगर आरएसआई में अगर डबल टॉप में आपको बेरिश डाइवर्जेंस मिलता है तो कंफर्मेशन लेकर आप जो है वहां पर सेल साइड जा सकते हैं, और अगर डबल टॉप आपको मिला हुआ है यहां पर आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है तो कंफर्मेशन लेकर आप बाय साइड जा सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल चीजें फॉलो करिए, सिंपल बनिए, सिंपल चीजें बहुत पैसे बना के देंगी मार्केट में। ठीक है, अभी यहां पर देखिए सेम क्या हुआ है, यहां पर भी डबल टॉप पैटर्न बनाया है पिडिलाइट ने, और जैसा कि आप यहां पर नीचे देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये आपने ये देखा, ये देखिए नीचे यहां पर जो है बेरिश डाइवर्जेंस पैटर्न बना के रखा हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमने हमारा तो यहां पर ये जो पीछे का सपोर्ट है हमने इसको भी यहां इस तरह से ड्रॉ करके रखना है। ठीक है, यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां डबल टॉप पैटर्न बना, सेम अगेन यहां पर बेरिश डाइवर्जेंस बना, हमने यहां पर जो है सेल किया। ठीक है ना, सेल भी क्यों किया, यहां पर जब मार्केट ने रेंज बना ली, ये देखिए यहां जब मार्केट ने रेंज बना ली है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मार्केट ने रेंज बनाई है और रेंज ब्रेक आउट होने के बाद इसको रीटेस्ट किया है, यहां पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा पहला टारगेट कहां होगा, देखिए पहला टारगेट जो है हमारा वो फर्स्ट सपोर्ट या फर्स्ट रेजिस्टेंस पर ही होता है। वहां पर हमको क्या करना है, वहां पर हमको अपने टारगेट जो है बुक कर लेने हैं। देखिए हमने यहां पर टारगेट बुक क्यों करने हैं, मैं आपको चीजें ये बता देता हूं। देखिए क्योंकि यहां पर जो है अगर यहां पर ब्रेकआउट होता तो कम से कम इस चीज की यहां पर जरूर इसको जरूर टेस्ट कर लेता। ठीक है ना, बट यहां पर ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहां पर जो है कैंडल यहां पर छोटी छोटी बनने के बाद फाइनली जो है इसका ब्रेकआउट इसने यहां पर दिया है। अभी मैं आपको यहां पर एक चीज और दिखाऊंगा। देखिए अगर आप किसी भी मार्केट किसी भी स्टॉक के बिहेवियर को समझ गए ना, तो मैं कहता हूं कि आप दूसरा स्टॉक देखेंगे ही नहीं और उसी स्टॉक से ही आप इतना पैसा बना लेंगे कि मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। अभी जो चीजें मैंने देखी चार बार आपको बता दी हैं, सेम चीज यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है। यहां देखिए ये जो लेवल है ये है 1160 रुपए का और ये लेवल है नियर अबाउट 1170 रुपए का, मतलब आप मतलब सेम लेवल कह सकते हैं। यहां भी मार्केट में समझ लीजिए 1 2 3, ठीक है, ये देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट कोई बात नहीं, आपको समझाने मुझे अच्छा लगता है, अगर आप समझ गए तो जो है मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, यहाँ 2 हो गया और ये हो गया 3। आप यहां पर देखिए यहां मार्केट ने जो है ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया है। ठीक है, यहाँ ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया है और ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाने के बाद आप ये देखिए, आपको फिफ्थ टाइम मैं दिखा रहा हूं ये, ठीक है फिफ्थ टाइम, यहां देखिए आपको बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला। ठीक है, यहां पर ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है और यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला है। हमारी एंट्री देखिए अभी कहां पर होगी, मैं आपको देखिए ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैं एक तो यहां पर मार्केट ने जो है सस्टेन होना चालू कर दिया था, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नियर अबाउट 10 डेज जो है यहां पर इसने जो है मार्केट ने बिताया है, और ये जो फाइनली ये जो कैंडल देख रहे हैं ये जो ग्रीन वाली, आप अपने चार्ट खोल का भी देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ये देखिए एक बहुत ही बेहतरीन जो है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, और यहां पर देखिए हमारी एंट्री यहां पर एग्जीक्यूट होती है। देखिए यहां पर हमारे पास एंट्री क्यों एग्जीक्यूट हो रही है ये बताइए, क्योंकि हमको यहां पर मल्टी कंफर्मेशन मिल रहे हैं। वन कंफर्मेशन है कि ट्रिपल टॉप पैटर्न है, दूसरा कंफर्मेशन है कि ये सपोर्ट पर है, तीसरा कंफर्मेशन ये देखिए कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इसने बनाया है, और थर्ड जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कंफर्मेशन वो है जब बुलिश एंगल्फिंग बुलिश डाइवर्जेंस जो इसने बना के दिया है। ठीक है, तो चलिए अभी जो है हम सेम इसी के बेस पे हमने यहां पर ट्रेड ले लिया, और यहां पर जैसा आप देख सकते हैं जब मार्केट यहां से कंटिन्यू ऊपर जाना चालू किया है, एक मिनट सॉरी मैं यहां से ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां देखिए यहां पर एक बार मार्केट आई, सेकंड टाइम जब मार्केट ने हायर हाई बनाया ऊपर गई, थर्ड टाइम टच किया ऊपर गई, फोर्थ टाइम टच किया, तो यहां पर हमको जो है एक यहां पर इस तरह से ट्रेंड लाइन मिल गई है। ठीक है, यहां पर ट्रेंड लाइन मिल गई है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। ये जो हम ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करेंगे ये हमको आने वाले टाइम में जो है जब हमको स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलेगा तो हम जो है यहां पर अपनी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से जो है एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, और जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए पैटर्न तो यहां पर एक और बन रहा है, बट जो है मतलब शायद अभी मैं उस टॉपिक तक पहुंचा नहीं हूं कि मतलब मैं आपको बताऊं, लेकिन चलिए मैं फिर भी बता देता हूं। यहां पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, ये इसका शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और इसको भी हम जो है शोल्डर कह सकते हैं, बट यहां पर मार्केट ने इसे प्रॉपर तरीके से जो है वर्क नहीं किया हेड एंड शोल्डर पर। और ये देखिए जैसा कि मैं आपको ये चीज बता रहा हूं,
देखिए मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये जो जहां पर लास्ट टाइम इसने जो है जो इसका रेजिस्टेंस था इसको इसने सपोर्ट के रूप में यहां पर काम किया है। ये देखिए हाँ सपोर्ट के रूप में यहां पर जो है इसने, यहां पर सॉरी मैं इस तरह से कर लेता हूं तो आपको चीजें जो है अच्छे से पता चल जाएंगी। देखिए मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाने के बाद यहीं पर जो है इस जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद फिर मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ रुक किया, फाइनली फिर नीचे की तरफ किया। अभी हम ये देखिए, अभी देखिए हमारा ये टारगेट किस तरह से फिक्स होगा, आखिर हमको पता होना चाहिए ना कि मतलब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर कहां तक जा सकता है, आखिर हमको मतलब कोई आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए हम जो है इस तरह से, ये देखिए अगर इसको हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमको यहां पर एक, ये देखिए एक चैनल देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, आपको जो है अपने पैटर्न जो है कंटिन्यू ड्रॉ करके रखने हैं। ठीक है ना, उन देखिए पैटर्न से क्या होगा, उन पैटर्न, वो जो पैटर्न आपने ड्रॉ करके रखे रहेंगे उन पैटर्न से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगेगा। क्योंकि देखिए यहां पर मार्केट जो है कंटिन्यू लाइफ टाइम हाई पे चल रही थी, तो यहां पर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, तो ये जो चैनल हमने जो ड्रॉ कर लिया तो चैनल से हमको देखिए एक आइडिया मिल गया कि यहां पर मार्केट जो है रेजिस्टेंस ले सकती है। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं मार्केट ने इस चैनल को टच किया, अपर चैनल को टच किया, फिर आया नीचे लोअर चैनल को टच किया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर लोअर चैनल को टच किया, फिर ऊपर अपर चैनल को टच किया, फिर लोअर चैनल को। अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी देखिए किस तरह से कंफर्मेशन मार्केट में काम करते हैं। अपर चैनल को इसने टेस्ट किया, अपर चैनल को टेस्ट करने के बाद देखिए ये मार्केट जो है नीचे की तरफ आई है और इस ट्रेंड लाइन को, जो ट्रेंड लाइन हमने पहले ही ड्रॉ करके रखी हुई थी, यहां पर इस ट्रेंड लाइन पर आने के बाद नियर अबाउट पिडिलाइट ने 1 मंथ यहां पर जो है स्पेंड किया है, 1 मंथ इसने जो है यहां पर कंटिन्यू सस्टेन किया है, और सस्टेन करने के बाद फाइनली जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, देखिए मैं आपको ब्रेकआउट दिखा देता हूं। ठीक है ना, कि ब्रेकआउट कैंडल किस तरह की होती है, ये देखिए आप ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये देखिए ये है ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है ना, देखिए अगर आपको ब्रेकआउट कैंडल में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए भी आपको एक तरीका बता देता हूं। आप जो है आपने वॉल्यूम लगा लेना है, आपने अपने चार्ट में वॉल्यूम लगा लेना है, और ये देख सकते हैं पिछले आपने जो है पिछले एक हफ्ते के वॉल्यूम से अगर उस कैंडल की वॉल्यूम ज्यादा है तो आप जो है हम उसमें कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि हाँ जी ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है ना, तो आप जैसा यहां पर देख सकते हैं पिछले 10 दिनों से ज्यादा यहां पर वॉल्यूम आया हुआ है, देख सकते हैं आप यहां पर पिछले 10 दिनों से ज्यादा यहां पर वॉल्यूम लगा हुआ है, तो यहां पर फाइनली जो है हम यहां पर ब्रेकआउट इसको कह सकते हैं और ब्रेकआउट इस बेस पर हम जो है ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए अभी मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ने अब अपर चैनल को जो है जाकर टेस्ट करना चालू किया हुआ है। ये जो मार्केट पिडिलाइट जो है, पिडिलाइट का जो है अभी सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 1600, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, तो ये जो प्रॉपर टच कर लेते हैं ना हम, हाँ चलिए अभी देखिए मार्केट जो है पिडिलाइट जो है नियर अबाउट 1680 और 1700 रुपए की नियर अबाउट यहां पर रेजिस्टेंस ले सकती है, और 1700 रुपए के नियर अबाउट रेजिस्टेंस लेने के बाद जो है फिर लोअर चैनल को टेस्ट करने के लिए आ सकती है। लेकिन देखिए मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं, तो जरा आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये जो आप नीचे वॉल्यूम देख रहे हैं ना, वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के हिसाब से ऐसा लगता है कि मार्केट इस चैनल को ब्रेक करेगी। देखिए जब किसी भी चैनल का या किसी भी डार्वस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है ना, तो वहां से आप जो है 1:2, 1:3, 1:4 तक का भी टारगेट उस पैटर्न से आप अचीव कर सकते हैं। अभी ये देखिए ये जो चैनल है, ये चैनल कितने दिनों से मतलब चल रहा है, ये 31 दिसंबर 2018 अब 19 से मान लीजिए, तो 19 और 20 मतलब 1 जनवरी 2019 से ये चैनल प्रॉपर काम कर रहा है, और जो पिडिलाइट का जो स्टॉक है इसी चैनल के अंदर जो है फंसा हुआ है। अभी जब इस चैनल का ब्रेकआउट होगा तो आप ऑब्वियसली मान सकते हैं कि इस मतलब कितना अच्छा मतलब आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं अभी जो है मतलब अपना आने वाला फ्यूचर में जो अपना जो इसकी प्रिडिक्शन रहेगी, वो अपनी प्रिडिक्शन ये रहेगी कि ये जो स्टॉक जो है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, ये स्टॉक इस अपर चैनल को टच करेगा, अपर चैनल को टच करने के बाद जो है ये फिर इस लोअर चैनल को यहां पर टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ये इस तरह से, एक मिनट सॉरी मैं इसको पहले डिलीट कर दूं, ये मैंने इसको पकड़ लिया और इस तरह से, ठीक है
देखिए अभी जो स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1653 रुपये, 1653 स्टॉक प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। ओके, अभी ये जो क्या कर सकता है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम लगे हुए हैं ना, वॉल्यूम के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि इस बार इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये जो अपर चैनल है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ये 5th टाइम है। और देखिए और अधिकतर जो है मैंने, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टॉक्स वगैरह में देखे हैं, वो 4, 5 to 6 टाइम्स में जो है वो कोई भी पैटर्न हो उसमें ब्रेकआउट हो जाता है। बट अगर इसमें इसमें ब्रेकआउट आपको नहीं देखने को मिलता है, तो अगर इस अपर चैनल के पास आपको कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, और शूटिंग स्टार कैंडल मिलने के बाद ऊपर नीचे से कोई अगर आपको RSI का कुछ उसमें डाइवर्जेंस वगैरह कुछ अगर दिख जाता है, तो मतलब उस चीज को आप जो है सेल कर सकते हैं। और आपका टारगेट जो रहेगा वो पोजिशनल के लिए टारगेट आपका 1450 रुपए का रहने वाला है। उसके बाद देखिए क्या हो सकता है, सेकंड सिनेरियो जो यहां पर बनकर आ रहा है, ये मार्केट इस तरह से ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद, ये ऐसे नीचे की तरफ आने के बाद फिर ऐसे जा सकती है, ठीक है ना। तो सॉरी, मैं आपको ये चीजें ना सारी अच्छे से बता देता हूं कि आपको जो है चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। अरे भाई चलिए मैं इसी को ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर देखिए अपने पास दो सिनेरियो हैं। यहां पर पहला सिनेरियो तो ये है कि जिस हिसाब से यहां पर वॉल्यूम लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये इसका ब्रेकआउट करने के बाद इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। रिटेस्ट करने के बाद फिर इसका जो है ऊपर की तरफ एक काफी अच्छी मूवमेंट हो सकती है। सेकंड सिनेरियो मार्केट में क्या दिख रहा है, पिडिलाइट में ये जो है 1680 और 1700 के लेवल को टेस्ट करने के लिए इस अपर ट्रेंड लाइन पर जा सकता है। और वहां पर अगर कोई आपको शूटिंग स्टार कैंडल मिलता है, तो वहां पर जो है आप देखिए 3 और 4 कन्फर्मेशन पर कोई ट्रेड लीजिए, सिर्फ एक कन्फर्मेशन पर मार्केट के अंदर एंटर मत कर जाइए, आपको जो है लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है मतलब मार्केट यहां पर टच करने के लिए आ सकती है, और यहां से जो है अगेन आपको अगर स्टॉक यहां पर मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी जो है, देखिए चैनल में क्या होता है, चैनल में देखिए हमको, हमारे पास मल्टी वो फ्रेम होते हैं कि मतलब हम जो है कई बार इसको बाय कर सकते हैं, कई बार सेल, मतलब एक ही स्टॉक में लगे रहो यार, लगे रहो इंडिया, ठीक है ना। नीचे अपन लोअर चैनल पर आया तो उसको बाय कर लिया, अपर चैनल पर गया तो सेल कर दिया, फिर अपर चैनल पर जब हमको मिला तो उसको सेल कर दिया, फिर लोअर चैनल पर आया तो उस वहां पर हमने उसको पोजिशन कवर कर ली, बाय कर लिया, ठीक है ना। तो देखिए मार्केट में जो है इस तरह से सिनेरियो चलता रहता है। तो देखिए मार्केट में जो है चीजों को समझिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अपने चार्ट को जो है कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, अगर आप अपने चार्ट को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे तो आपको चीजें खुद नहीं समझ में आएंगी कि मैंने ये सपोर्ट क्या ड्रॉ करके रखा हुआ है, कौन सी रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखी हुई है, ठीक है ना। तो आपको चीजें खुद नहीं समझ में आएंगी। मार्केट में जो देखिए प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, या फिर आपके पास एक या दो कोई स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करिए। देखिए हम जो चीजें फॉलो करते हैं, मैं आपको वो चीजें बता देता हूं, हम जो है एक चार्ट सेटअप यूज करते हैं, जो मतलब अपने चार्ट का सेटअप बना लेते हैं, और वो चार्ट जो है बहुत ही बेहतरीन सेटअप हम जो है बनाकर उस पर हम ट्रेड करते हैं। और कुछ मेरी अपनी सेल्फ डेवलप स्ट्रेटजीज हैं, मैं उन चीजों को मार्केट में यूज करता हूँ। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, जो मेरी अपनी खुद की बनाई हुई है, मैंने उसको पूरा एक सिस्टम में जो है तैयार किया हुआ है, और उस सिस्टम के बेस पर मैं ट्रेड करता हूं, और अपनी क्लाइंट्स को भी उस सिस्टम के बेस पर जो है ट्रेड देता हूं। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए मार्केट में आपको जो है सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट में सीखते नहीं हैं और अपने पैसे लेकर यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आ रही हैं, तो देखिए आपको जो है लॉस करने से कोई नहीं बचा सकता। तो मेरा जो है देखिए आपका आपको सिखाने का मतलब मेन मतलब ये है कि आप जो है अपना लॉस बंद करिए, प्रॉफिटेबल बनिए, यहाँ पर एक आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप जो है कंटिन्यू लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो अगर आप वाकई अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे जो है मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो आप हमको ज्वाइन करने के बाद जो है, देखिए हम हर संडे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स अपना हमारा जो है चलता है, आपका जैसा पैकेज होगा उस हिसाब से आपको कंटिन्यू उतनी आपकी ड्यूरेशन होगी, उतना आपका लॉन्ग टर्म आपको ट्रेनिंग मिलती रहेगी। प्लस हम डेली कॉल देते हैं जो है, मतलब क्लाइंट्स का जो है डेली अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं हमारे क्लाइंट्स डेली, मतलब मैं कॉल डेली अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, खुद भी वही ट्रेड करता हूँ जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लाइंट्स को कोई और ट्रेड दे रखे हैं और मैंने खुद कोई और कर रखे हैं, मैं सेम जो खुद करता हूँ वही अपने क्लाइंट को देता हूँ। तो चलिए जो है लर्निंग पर फोकस करिए, ठीक है ना। मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है, चीजों को सिंपल रखिए, सिंपल बनिए, सिंपल चीजों को फॉलो करिए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।